हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट से आपका लेसन है नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर हैं, नरेटर हैं नेल्सन रोलेहला मंडेला, R O L I H L A H L A नेल्सन रोलेहला मंडेला। ये जो लेसन है ये ऑटोबायोग्राफी है, एक खुद की आप कहें आत्मकथा नेल्सन मंडेला की है, और उन्होंने इस लेसन के अंदर जो जिक्र किया है वो एक सेरेमनी का जिक्र किया है जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ली थी 10 मई 1994 की। ये बात है 10 मई 1994 की बात है, 10 मई 1994। इस सेरेमनी को नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन सेरेमनी का नाम दिया है। यह साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पे, जो आप कहें यूनियन बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है, एम्फी थिएटर आप कहें, बिग ओपन बिल्डिंग में यह सेरेमनी हुई थी। और उस दिन जो डे था, इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर डे, ब्राइट और क्लियर डे था, और बहुत सारे इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं इस प्रोग्राम में, इस सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए आए थे। तो ये सेरेमनी जो है प्रिटोरिया में हुई, एम्फी थिएटर में हुई। एम्फी थिएटर का मतलब है, वर्ड मीनिंग्स में आपसे पूछा जा सकता है, बिग ओपन जो बिल्डिंग है, बिग ओपन बिल्डिंग, वहां पर यह सेरेमनी हुई थी, और इसको इनॉग्रेशन सेरेमनी नेल्सन मंडेला ने नाम दिया है। 10th में की ये बात है। इस दिन क्या हुआ था कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जातिगत जो भेदभाव होता था व्हाइट और ब्लैक पीपल के बीच में, वो प्रथा समाप्त हो गई थी, और नेल्सन मंडेला ने इस लिबर्टी को, इस फ्रीडम को, इस आजादी को न्यू बॉर्न लिबर्टी कहकर बुलाया है। एमसीक्यूज के लिए आप लर्न करें, और ये जो आपको ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स जो बतलाए जा रहे हैं, इनको बड़े ध्यान से आप सुने। ये जो एमसीक्यूज यहां आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इन मेन पॉइंट्स और ब्रीफ समरी में से मिलेंगे, इनको आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी करते रहें। तो ये जो लिबर्टी थी, इसको नेल्सन मंडेला ने न्यू बॉर्न लिबर्टी कहकर बुलाया है। नेल्सन मंडेला की डॉटर हैं, उनका नेम है ज़ेनानी, ZENANI। नेल्सन मंडेला की डॉटर का जो नाम है वो ज़ेनानी है, ZENANI। और ये जो गवर्नमेंट बनी थी वो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला के अनुसार, एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक आप कहें, डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। नेल्सन मंडेला ने यह कहा कि अब तक साउथ अफ्रीका में व्हाइट सुप्रीमेसी रही है, जो श्वेत रंग वाले जो लोग हैं उन्होंने, जो ब्लैक कलर वाले जो पीपल हैं, काले वर्ण वाले जो लोग हैं, उनके साथ बेशक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया हो, जातिगत भेदभाव किया हो, पॉलिसी ऑफ अपार्थिट की बात करते हैं, पॉलिसी ऑफ अपार्थिट, रंग भेद की नीति, ये जो लेसन है उसका बेस है पॉलिसी ऑफ अपार्थिट, रंग भेद की नीति बेशक साउथ अफ्रीका में चली हो, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं हमारी जो गवर्नमेंट बनी है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, हम किसी के भी साथ उसके रंग या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये लोकतांत्रिक सरकार रहने वाली है। नेल्सन मंडेला प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि भाई जो जैसे संविधान है उसकी मान और मर्यादा को मैं बनाए रखूंगा, और ये जो संविधान के जो नियम हैं उनका मैं पालन करूंगा। तो नेल्सन मंडेला प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन,
और उन्होंने कहा कि मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ माई कंट्री, वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ माई कंट्री, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। उन्होंने जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे, विदेशी मेहमान थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और साथ में उन्होंने कहा कि ये एक कॉमन विक्ट्री है, दिस इज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी की ये कॉमन विक्ट्री है, एक सामान्य विजय है जिसकी जिसके अंदर न्याय शांति और ह्यूमन डिग्निटी, एक मनुष्य जो है उसके मान और सम्मान, इन सब चीजों को मिलाकर इकट्ठा किया जाए तो उनकी एक कॉमन विक्ट्री इस दिन को कहा जाएगा। ये कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी का नेल्सन मंडेला ने नाम दिया है। ही आल्सो प्लेज्ड टू लिबरेट हिज पीपल, उन्होंने बिल्कुल ये भी शपथ ली, कसम उठाई कि मैं अपने लोगों को आजाद कराऊंगा, मैं अपने लोगों को आजाद कराऊंगा, अपने देश के लोगों को आजाद कराऊंगा, किससे? पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन से। पॉवर्टी, गरीबी, सफरिंग, दुख और कष्ट आप कह सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से अपने लोगों को मैं आजाद करवाऊंगा। उस दिन नेल्सन मंडेला जो हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली 10 मई को। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो बने वो थे मिस्टर डी क्लार्क, मिस्टर डी क्लार्क, के एल ई आर के, मिस्टर डी क्लार्क सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थाबो मबेकी, थाबो मबेकी सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे। अब नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, तो इसके अंदर अब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इसलिए उस दिन टू नेशनल एंथम्स वर सन, दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे, वन फॉर द व्हाइट पीपल एंड द सेकंड फॉर द ब्लैक पीपल, श्वेत और काले दोनों ही जो वर्ण के व्यक्ति थे उनके लिए ये नेशनल एंथम्स गाए गए और वो थे निकोसी सिक्लेल ई अफ्रीका, निकोसी सिक्लेल ई अफ्रीका, एक तो नेशनल एंथम ये था निकोसी सिक्लेल ई अफ्रीका और सेकंड था डाइस्टेम, डाइस्टेम आगे और वर्डिंग्स है, ये थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग की लाइंस ली हैं, निकोसी सिक्लेल ई अफ्रीका और एक सेकंड हो गया डाइस्टेम। ये नेशनल एंथम्स एक ब्लैक पीपल के लिए, एक व्हाइट पीपल के लिए ये नेशनल एंथम्स उस दिन गाए गए थे। उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला ने कि हम किसी के साथ में कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेंगे। जब यह सेरेमनी हो जाती है तो आफ्टर द सेरेमनी देयर वाज अ स्पेक्टेकुलर शो बाय जेट्स, जो प्लेन होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, जेट्स आप कहें, उन्होंने बहुत ही शानदार मनोरम दृश्य जो है वो दिखाया और ये जो जेट्स हैं पुलिस और डिफेंस डिपार्टमेंट के थे। These jets were flying over the union buildings, जो union building है, सरकारी इमारतें हैं, उनके ऊपर से ये उड़ रहे थे और ये जो jets उड़ रहे थे police force के थे और defense services के थे, तो ये क्यों उड़ रहे थे, उड़कर क्या वो दिखा रहे थे? ये दिखा रहे थे military's loyalty to democracy, military's loyalty to democracy, जो military है, defense है, उसकी लोकतंत्र के प्रति वफादारी को ये जो जेट्स हैं यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर ओपन स्काई में उड़कर इस बात को बयान कर रहे थे कि वो साउथ अफ्रीका की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके प्रति वफादार रहने वाले। उसके बाद में जो इंपाला जेट्स हैं, आप कहें फाइटर प्लेन्स हैं, उन्होंने
वी शेप में, वी शेप में उड़ान भरी इंपाला जेट्स ने ओपन स्काई में, और स्मोक ट्रेल से साउथ अफ्रीका का फ्लैग आसमान में स्काई में बनाकर दिखाया। स्मोक ट्रेल से, जो आपने देखा होगा एरोप्लेन के जाने के बाद में आसमान में सफेद सफेद से निशान दिखाई देते हैं, स्मोक ट्रेल, उससे साउथ अफ्रीका का स्काई में, ओपन स्काई में जो है नेशनल फ्लैग बनाकर दिखाया। और उसके अंदर कलर्स कौन कौन से थे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, ये जो है कलर्स से स्मोक ट्रेल से नेशनल फ्लैग साउथ अफ्रीका का वहां पर बनाया गया। उसके बाद में जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे, हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स थे, दे सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला ने यहां बतलाया है कि आज ये मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं और कुछ साल पहले ये मेरे को अरेस्ट करते थे, या कुछ साल पहले की बात होती तो दे कुड हैव अरेस्टेड मी, नाउ दे आर सैल्यूटिंग। तो अब वो सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले ये मुझे या तो अरेस्ट करते थे या मुझे अरेस्ट कर लिया होता अगर पहले जैसे हालात होते तो। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जो पॉलिसी ऑफ अपार्थीड है, रंग भेद की जो नीति है, उसने साउथ अफ्रीका जो हमारी कंट्री है उसके ऊपर डीप एंड लास्टिंग वुंड जो है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर वो छोड़ा है, डीप एंड लास्टिंग वुंड, बहुत गहरा और बड़े लंबे समय तक दिखने वाला चलने वाला जो जख्म है, घाव है, वो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ने, रंग भेद की नीति ने छोड़ा है। अब वो कहते हैं कि भाई हम जो काम करेंगे वो ये कि हर एक जो हमारी कंट्री में पीपल हूं उनके अपने राइट्स हों और हर एक पीपल को फ्रीडम मिले, राइट और फ्रीडम हर एक पीपल को हमारी कंट्री में मिले, और रंग के आधार पर किसी के भी साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो। नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, उन्होंने कहा कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो पार्टी ज्वाइन की, मुझे बड़ा ये बतलाते हुए गर्व है कि बहुत ज्यादा करेजियस जो पर्सन्स हैं, पीपल हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, अवसर मिला, और उनकी वजह से आज हमें ये आजादी मिली है, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड जो है वो खत्म हुई है। तो वो फेमस पर्सन्स कौन कौन से थे, वो हो गए ओलिवर टैम्बो, ओ एल आई बी ई आर ओलिवर, टी ए एम बी ओ ओलिवर टैम्बो, सेकेंड हो गए वॉल्टर सिसुलु, डब्ल्यू ए एल टी ई आर वॉल्टर, एस आई एस यू एल यू, देन चीफ लुथली, सी एच आई ई एफ चीफ, एल यू टी एच यू एल आई लुथली, देन यूसुफ डेडू, वाई यू एस यू एफ यूसुफ, डी ए डी डबल ओ डेडू। और यहां आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो करेज है, करेज वो नेल्सन मंडेला के हिसाब से क्या है, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो करेज है दैट इज ट्रेम्फ कहें आप या विक्ट्री ओवर फियर, ट्रेम्फ या विक्ट्री ओवर फियर है, डर के ऊपर, भय के ऊपर जो विजय है वो करेज होता है, वो हौसला होता है। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो लव है वो, लव के बारे में उन्होंने बतलाया, लव कम्स नेचुरली, लव जो है, प्यार जो है वो स्वाभाविक रूप से हमारे पास आता है। इफ वी कैन लर्न टू हेट, इफ वी कैन लर्न टू हेट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से नफरत करना सीख सकते हैं तो क्या हो सकता है, वी कैन लर्न टू लव ईच अदर ऑल्सो, तो हम एक दूसरे से प्यार करना भी सीख सकते हैं। और नेल्सन मंडेला ने यह भी बताया कि हमारा जो लाइफ है, हमारी लाइफ में हर एक जो पर्सन है, हर एक जो व्यक्ति है, एवरीवन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस,
एक हो गया उसकी फैमिली के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए, वाइफ है चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है वाइफ है चिल्ड्रन है, फैमिली के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए फर्स्ट ऑब्लिगेशन पहली जिम्मेवारी आपकी हो जाती है, और सेकंड हो गया पीपल और कंट्री के लिए, ऑन पीपल एंड कंट्री यानी कि अपना देश और देश के लोग, उनसे संबंधित जो है हमारे ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं। तो जब हम दोनों ही ऑब्लिगेशंस को पूरा करने जाते हैं एक साथ तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने पीपल के लिए अपनी कंट्री के लिए काम करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है हमें अरेस्ट कर लिया जाए, हो सकता है हमें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे कि यहां इस स्टोरी के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल नेल्सन मंडेला को करना पड़ा था। तो इस तरीके से जब हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, हमें अपनी फैमिली से दूर हो जाना पड़ता है, हमें अपने लोगों के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है, हमें अपने लोगों के फ्रीडम के लिए ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो हम अपनी फैमिली से रिलेटेड जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं कि हालात इस तरीके से पूरे होने चाहिए, इस तरीके से सामान्य एक कंट्री के अंदर होने चाहिए कि जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को, ऑब्लिगेशन है अपना फैमिली के लिए और ऑब्लिगेशन अपना पीपल और कंट्री के लिए, वो दोनों अच्छे तरीके से पूरे कर पाए, ऐसा प्रयास जो है हमारी सरकारों को करना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने कहा एवरीवन शुड फुलफिल ट्विन ऑब्लिगेशंस, और हर एक पर्सन को, हर एक पीपल को, हर एक व्यक्ति को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर मिलनी चाहिए, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान स्वाभिमान हर एक व्यक्ति का बना रहना चाहिए विदाउट एनी फियर, किसी तरीके का किसी को, किसी भी सिटीजन को कोई भय नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा और आपको बतलाते हैं कि नेल्सन मंडेला ने यह बतलाया कि ही वॉज बोर्न फ्री, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो आजाद पैदा हुआ। जब वो पैदा हुए, छोटे बच्चे थे, तो वो उनको लगता था कि वो आजाद थे। फिर वो कहते हैं व्हेन ही ग्रू अप ही फेल्ट दैट हिज फ्रीडम वॉज जस्ट लाइक एन इल्यूजन, भ्रम। वो कहते जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो आजादी है, पूरे तरीके से नहीं समझ पाए कि मेरी जो आजादी है वो एक भ्रम के जैसी है, इल्यूजन के जैसी है। और फिर जब उनको फ्रीडम से, लिबर्टी से डिनाई किया गया, व्हेन फ्रीडम वॉज डिनाइड, तो उनके अंदर भूख पैदा हो गई, हंगर पैदा हो गई, हंगर फॉर फ्रीडम उनके अंदर पैदा हो गई। फिर नेल्सन मंडेला ने और आगे कदम बढ़ाए, जब उनको यह पता चला कि अदर पीपल वर ऑल्सो नॉट फ्री, अदर पीपल वर ऑल्सो नॉट फ्री लाइक हिम, सो ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, उनके प्रयास जो है रंग लाए। तो अब फाइनली जो है 10th मई को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पे, आप कहें नेल्सन मंडेला स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फाइनली तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने शपथ ली, और साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। 2 नेशनल एंथम्स वहां पर गाए गए थे, ब्लैक और व्हाइट पीपल दोनों के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं किया गया। उसी तरीके से एक पर्सन के, एक व्यक्ति के, एक सिटीजन के ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ऑन व्हाट डे वाज द इनॉग्रेशन टेकिंग प्लेस, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस ऑन, डेट बतलानी है किस दिन ये सेरेमनी हुई, ए ऑन 10th में, बी 15th में, सी 20th में, डी 10th जून, आंसर होगा ए 10th में। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मंडेला ज्वाइन, नेल्सन मंडेला ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी जो है संस्था को ज्वाइन किया, ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बी नेशनल कांग्रेस,
सी इंडियन नेशनल कांग्रेस दी ऑल ऑफ द वो, बिल्कुल कांग्रेस से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साउथ अफ्रीका की स्टोरी है तो वहां से अफ्रीका, अफ्रीकन वर्ड को आप पकड़ लीजिए। ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। हाउ मेनी नेशनल एंथम्स वर संग ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह में कितने राष्ट्रगान गाए गए थे? ए थ्री, बी टू, सी फाइव, डी वन। टू नेशनल एंथम्स वर सन, ब्लैक और व्हाइट पीपल दोनों के लिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज करेज, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या होता है? ए ट्रिप ऑफ फियर, ट्रिप की जगह आप विक्ट्री भी कह सकते हैं, विजय, भय पर विजय प्राप्त करना करेज है। बी फियर ओवर ट्रिप, सी बोथ, डी नाइदर ए नोर बी। तो आपका आंसर होगा ए ट्रिम्फ और फियर। करेज क्या है? ट्रिम्फ और फियर या विक्ट्री और फियर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ग्रेटर वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज, किसी भी कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या होता है? ए जेम्स, बी मिनरल्स, सी पीपल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा इट्स पीपल। किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा धन उसके लोग होते हैं। हु वाज अपॉइंटेड द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, हु वॉज अपॉइंटेड एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क। तो चॉइसेस हैं ए ज़ेनानी, बी मिस्टर डी क्लर्क, सी वॉल्टर सिसुलू, डी नन। आंसर होगा सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट लर्न करना, मिस्टर डी क्लर्क। Which type of government was installed in South Africa under the leadership of Nelson Mandela? Nelson Mandela के नेतृत्व में किस प्रकार की सरकार South Africa में अब बनाई गई थी? A democratic, B non-racial। Answer होगा C, both A and B। Choice D है आपकी, none। देखिए both A and B कैसे होगा? कि South Africa के अंदर democratic और non-racial government under the leadership of Nelson Mandela was installed। तो ये सरकार तब वहां बनी थी, वो डेमोक्रेटिक भी थी और नॉन रेशियल भी थी, लोकतांत्रिक भी थी और किसी भी प्रकार के भेद ना करने वाली किसी भी जाति विशेष की वो सरकार नहीं कही जा सकती थी। नॉन रेशियल भी थी और डेमोक्रेटिक भी थी, इसलिए चॉइस आपकी होगी सी, बोथ ए एंड बी। चलिए और थोड़े से एमसीक्यूज हैं, डिस्कस करते हैं। हु वाज ज़ेनानी, ज़ेनानी कौन थी? ए नेल्सन मंडेलाज डॉटर, बी नेल्सन मंडेलाज वाइफ, सी हिज मदर, डी ए प्रिंसेस। तो ज़ेनानी ए नेल्सन मंडेलाज डॉटर, नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम है ज़ेनानी। व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील हंग्री फॉर, नेल्सन मंडेला किस चीज की भूख महसूस करते हैं? ए वेल्थ, बी लव, सी हेट, डी फ्रीडम। उन्होंने कहा जब बड़े हुए, व्हेन ही ग्रू अप ही फेल्ट हंगर फॉर फ्रीडम, जब फ्रीडम उनको डिनाई कर दी गई तो ही फेल्ट हंगर फॉर फ्रीडम, ही फील हंग्री फॉर फ्रीडम, ही फील्स, नेल्सन मंडेला फील्स हंग्री फॉर फ्रीडम। What does Nelson Mandela feel hungry for? Answer होगा for freedom. What comes naturally to the human heart? Love comes naturally. बिल्कुल आपको easily learn होना चाहिए। तो choices हैं A love, B wealth, C freedom, D all of the above. Answer होगा A love. According to Mandela, which obligation does man have to complete? एक व्यक्ति है उसको कौन कौन से obligation कहें या obligations आप कह सकते हैं वो एक व्यक्ति को अपने पूरे करने होते हैं। ट्विन obligations, दो obligations, दो प्रकार की जिम्मेदारियां बतलाई गई हैं। ए obligation to country, बी obligation to family, सी neither A nor B और डी है both A and B। आंसर होगा ट्विन obligations है, both A and B। obligation to country, obligation to family, फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स आप कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन टू कंट्री एंड इट्स पीपल आप कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन टू कंट्री एंड इट्स पीपल, और सेकंड हो गया ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, ये जो समारोह है ये कहां पर किए गए थे? ए लंडन, बी जापान, सी चाइना, डी प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में जो है ये फंक्शंस, ये सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी की गई थी। बट चेंज मंडेलाज लाइफ, नेल्सन मंडेला की जो लाइफ है उसको किस चीज ने बदल कर रख दिया था? ए हंगर फॉर फ्रीडम, बी हंगर फॉर वेल्थ, सी हंगर फॉर लव, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा हंगर फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए भूख ने नेल्सन मंडेला की लाइफ को बदल कर रख दिया। हु वॉज अपॉइंटेड
एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पर किन्होंने शपथ ली? ए नेहरू, बी गांधी, सी नेल्सन मंडेला, डी नन। तो प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। ऑफ द फॉलोइंग हु फोट अगेंस्ट अपार्थीड, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड के खिलाफ कौन कौन से नेता थे जो यहां नेल्सन मंडेला ने जिक्र किया था? उनके अंदर आपका ओलिवर टैम्बो थे, वॉल्टर सिसुलू थे, चीफ लुथुली थे और यूसुफ डेडू थे। तो चॉइसेस में देखिए कौन कौन थे, वॉल्टर सिसुलू, बी ओलिवर टैम्बो, सी बोथ एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। आंसर होगा सी बोथ एंड बी। वॉल्टर सिसुलू भी थे, ओलिवर टैम्बो भी थे और आप ध्यान रखेंगे कि वॉल्टर सिसुलू, ओलिवर टैम्बो और इसके साथ में चीफ लुथुली और यूसुफ डेडू, ये फोर नेम्स आप जरूर अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। स्टूडेंट्स ब्रीफ समरी आपको बतलाई, मेन पॉइंट्स आपको बतलाई, एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम कोशिश करेंगे पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए। बड़ी जल्द आपसे करेंगे हम मुलाकात आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज लेकर। तो आप वीडियोज को लगातार देखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। यह चैनल आपका अपना चैनल है, जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता, और केवल एक ही मकसद है, स्टूडेंट्स का बेनिफिट। अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।